चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज हम लोग बनाएंगे चिकन पुलाव। उसके लिए लेंगे हम लोग कांदा, स्लाइस कैप्सिक, स्लाइस टमाटर और मिर्ची में चीरा लगा के, नींबू और कलेजी और चिकन। इस तरीके से अखा अखा चिकन लेंगे। आज हम लोग बनाएंगे चिकन पुलाव। और इसमें अब हांडी में हम लोग तेल डाल देंगे इस तरीके से। दो से तीन चम्मच तक, बड़ा चम्मच, दो से तीन तेल डाल देंगे। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे, इसमें खड़ा मसाला नहीं यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि मैं अफ्रीका में बना रहा हूँ। अफ्रीका में खड़ा मसाला नहीं यूज़ होता पुलाव में, क्योंकि लाइक नहीं करते। इसमें जीरा डलता है ज़्यादा, हम अब इसमें डालेंगे जीरा 100 से 150 ग्राम तक। और अब डाल देंगे हम लोग कांदा स्लाइस, और जीरा ऐड करेंगे इसमें और इसको मिला देंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। इस तरीके से इसको मिलाते रहेंगे जब तक हमारा कांदा लाल ना हो जाए। इसको अच्छे तरीके से मिलाते रहेंगे। बहुत ही आसान डिश है, आप आसानी से बना सकते हो और टेस्टी भी है। जब हमारा कांदा हल्का सा लाल हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे हम लोग गार्लिक जिंजर का पेस्ट, लहसुन का और जिंजर। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे मिर्ची जो हमने चीरा लगा के रखी थी, 5 मिर्ची डालेंगे इसमें, 5। तो थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। इसी तरीके से इसको अच्छे से मिलाते रहेंगे जब तक हमारा कांदा लाल ना हो जाए। अब हम लोग इसमें करेंगे गार्लिक का और जिंजर का पेस्ट, 1 से 1 चम्मच, छोटा स्पून, और इसको मिला देंगे अच्छे से। फ्राई हो जाएगा ये भी। अब हम लोग इसमें डालेंगे चिकन, इस तरीके का चिकन रहेगा ये। एक चिकन का 4 पीस रहता है, 1/4। इस तरीके से हम लोग इसको डाल के भूनते रहेंगे। चिकन डालते समय याद रखें गैस स्लो कर लेना, कभी कांदा जल जाए। और इसको इस तरीके से मिला देंगे। इसमें डालेंगे हम लोग आलू 1/2, साफ करके 1/2 आलू डालेंगे, 1 का 2 काट के, 5 से 7 आलू काट लेंगे इस तरीके से। अब वो ऐड करेंगे हम लोग इसमें, ये अफ्रीका में रमजान में स्पेशल रहता अफ्तारी में पुलाव। इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा। अब हम लोग इसमें डालेंगे योगर्ट 4 से 5 चम्मच, छोटा योगर्ट डालेंगे और इसको मिला देंगे। और थोड़ा सा डाल देंगे हम लोग टमाटर स्लाइस। टमाटर याद रखिए थोड़े डालें, क्योंकि ज़्यादा डालने से इसका कलर भी चेंज हो जाता है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है इसका। तो टमाटर का याद रखिए 1 से 1.5 ही टमाटर डालें, ज़्यादा टमाटर ना डालें। और इस तरीके से इसको थोड़ा सा पकने देंगे। और अब इसको धीरे धीरे मिलाते रहेंगे जिससे कि मिक्स हो जाए ये अच्छे से।
हम लोग डालेंगे इसमें नमक, थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, जैसे कि हम लोग पुलाव बना रहे हैं, थोड़ा इसमें नमक, थोड़ा इसमें ज़्यादा डालेंगे जैसे कि राइस में कंपेयर हो जाए। थोड़ा सा डालेंगे हम लोग इसमें वाइट पेपर, थोड़ा सा स्पाइसी करेंगे इसे, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें इलायची पाउडर। बस तीन ही मसाला रहेगा इसमें, कोई कोई और मसाला नहीं रहेगा। तीन मसाला, नमक, थोड़ा सा वाइट पेपर और इलायची पाउडर, और इसको मिला देंगे हम लोग। ये पक गया अब धीरे धीरे। अभी हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे। ये जो नींबू डाला है, दो से तीन नींबू काट के डाल देंगे राउंड राउंड, और इसको मिला देंगे नींबू को भी इसके साथ में। और अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे पानी, जितना आपके पास राइस है। मेरे पास 1.5 किलो राइस है, उसी हिसाब से मैं इसमें, और राइस को याद रखना 15 से 20 मिनट पहले पानी में भिगो दे। राइस को 15 से 20 मिनट पानी में भिगो दे, और उसके बाद बनाए तो कम पानी लगता है। अब डाल देंगे हम लोग इसके ऊपर से कलेजी, इस तरीके से कलेजी डाल देंगे और इसको मिला देंगे। ये हम लोगों का चिकन पुलाव इस तरीके से। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग ढक्कन लगा के इसको उबलने के लिए रख देंगे, जब तक खद्दा न लगे। एक बार ये पानी उबलना चालू हो जाएगा, फिर हम लोग इसमें राइस ऐड करेंगे। अब इसमें ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट रखा मैंने, और ये पानी जो मेरा है वो ये पकना चालू हो गया, उबलना चालू हो गया। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे राइस, राइस डालेंगे हम लोग इसमें। मैंने 1.5 किलो राइस डाला है, और मैं इसमें पानी कम ही रखूँगा क्योंकि मेरा राइस भीगा है, तो 2 से 3 मिनट में मेरा राइस पक जाएगा, तो मैं इसमें पानी कम ही रखूँगा। याद रखे, जितना आप भिगोगे राइस तो उतना पानी कम रखे, क्योंकि वो राइस पहले से 20% तक पक जाता है पानी में भीग के। तो इस तरीके से इसको हल्का सा चला देंगे, और थोड़ा सा इसमें राइस ऐड करेंगे। जब इस तरीके से इस तरीके से इसमें इतना पानी ऐड करेंगे, देखिए कितना मैंने कम ही पानी ऐड किया है क्योंकि मेरा राइस भीगा था। अब इस पर ढक्कन लगा देंगे, और 2 से 3 मिनट के बीच में इसको चेक कर लेंगे, और हमारा पानी आधा आधा पानी हमारा पक चुका है, हमारा पानी कम हो गया। अब हम इसको तंदूर पर रख देंगे, कोयले के ऊपर, इस तरीके से कोयले के ऊपर रख देंगे, और ऊपर से कोयला डाल देंगे, जिससे कि हमारा अच्छे से दम हो जाए। दम के लिए लगेगा 5 से 7 मिनट, और देखिए दम होने के बाद इस तरीके से हमारा पानी एकदम पूरा हमारा रेडी है। बहुत ही अच्छी डिश है, ट्राई करिएगा एक बार, और आसान है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, जो मन है वो करिए।